हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा और दुआ करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल जैसे मैंने कहा, अब थोड़ा बहुत पढ़ाई करने में व्यस्त भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज ये अपन दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरा वो जो है फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड यूनिट का जो है एक चैप्टर लेके आया आपके लिए। यूनिट सेकंड जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक आज लेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है दोस्तों? वो टॉपिक है आपके डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए कितनी बार आपसे ये जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ये 2012 में आया था, 2015, 2016, 2018 आपके जो है कॉन्टिन्यूस जो है आपके ये पूछा जाता रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट सेकंड का ही है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से मैं जो आपको सेंट्रलाइजेशन फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सॉरी, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ले रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में अपन पूरा ओवरऑल क्या क्या कवर अप करेंगे, देखिए आपसे दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती है डिसेंट्रलाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मीनिंग उसका क्या होगा, ठीक है। फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होंगी, और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीन पार्ट के अंदर जो है अपन इसको पढ़ेंगे। पहले अपन जानने का प्रयास करेंगे इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, एक डेफिनेशन लेंगे, एक कोटेशन लेंगे। जैसा मैं कहता आया हूँ कि अगर एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आप देते हैं तो आपकी मार्किंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आता है इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होगी नेक्स्ट, और फिर अपन लेंगे लास्ट में जो इसका पार्ट होगा उसमें अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं। देखिए मीनिंग के लिए मैं एक इमेज आपके सामने लेके आया हूँ। ये इमेज जो है ये आपको बताती है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट को, और ये बताता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है आपका, वो अपनी कुछ अथॉरिटी जो होता है वो डेलीगेट करता है, ठीक है ना। पावर सारी आपके आपके जो सुपरवाइजर होता है, इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, उसी के पास होती है। उसमें से वे कुछ अपनी पावर्स को, कुछ फंक्शंस को जो है वो डेलीगेट करता है किसको, अपने सबोर्डिनेट को। इसे कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये क्या है, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट जो है अपनी जो पावर होती है उसको आपके जो है वहाँ पे एक डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स किस में करता है, अपने जहाँ पे ऑपरेशनल लेवल पे, जहाँ पे एक्चुअल में परफॉर्म किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी भी एक्शन को, उन्हीं लोगों को जो एग्जीक्यूट करें उनको वो अपनी पावर जो आपको जो है खुद डिसीजन लेने का राइट दिया जाता है, पावर्स दी जाती है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट अलग है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ये मीनिंग मैंने आपको एक इमेज के थ्रू बताने का यहाँ प्रयास किया है। डेफिनेशन कुछ अपन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हो सकती है आपके यहाँ पे। देखिए पहली जो है आपके मीनिंग के अंदर क्या है, इट रेफर्स टू, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इज असाइंड एट द पॉइंट वेयर ऑपरेशंस टेक प्लेस। जैसा मैंने आपको बताया अभी इमेज के थ्रू कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो ऑपरेशनल लेवल पे, जो शॉप फ्लोर लेवल जो आपका आता है, वहाँ पे जहाँ पे आपके एक्चुअल में डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया जाना है, वहाँ पे ही जो है मैं उनको अथॉरिटी देता हूँ उन डिसीजंस को लेने की। जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा वहीं पे डिसीजन लिए भी जा रहे हैं, इसे ही कहा जाएगा आपके डिसेंट्रलाइजेशन। कोटेशन देखिए, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। वह सब कुछ जो सबोर्डिनेट्स के जो इम्पोर्टेंस होती है, उसका जो रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अगर वो इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे, तो इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने कहा है, कि उन्होंने, हेनरी फेयोल ने, ठीक है। और ये आपके आता है एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे देखिए, कि डिसेंट्रलाइजेशन
ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज वाइडली डिस्पर्स्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसीजन मेकिंग के जो देखिए कल ही अपन ने पढ़ा था कि जो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो प्लानिंग है या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग इन सब में जो मैनेजमेंट के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो वाइडली डिस्पर्स्ड हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो डिसीजन मेकिंग हो वाइडली डिस्पर्स्ड हो तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे आपके डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है रिटर्न्स अथॉरिटी टू मेक सर्टेन इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। बाकी जो आपके जो डेली रूटीन वाले जो डिसीजंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जिसे कह सकते हैं कि बहुत वाइड इम्पैक्ट उनका ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पड़ता, ऐसे डिसीजंस को जो है हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो ये आपका पूरा डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, इसका सेकेंड पार्ट पे चाह रहा हूँ मैं वीडियो के, जहाँ मैं मेरिट्स की फर्स्ट और डीमेरिट्स के बात करेंगे। पहले मेरिट्स की बात करेंगे, मेरिट्स को यहाँ एडवांटेजेस किसी भी आपके जो है फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, मेरिट्स भी बोल सकता है एडवांटेजेस भी बोल सकता है, मीनिंग एक ही है। मेरिट्स के अपन बात करें तो पहली मेरिट क्या है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन से एडवांटेज क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसेस बर्डन ऑफ टॉप मैनेजर्स। जो टॉप मैनेजर्स के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, तो ये टॉप मैनेजमेंट है ना, इसके पास जो है पॉलिसी मेकिंग का है और ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, उन सब के ऊपर वह ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये जो ओवर बर्डन जो आपका टॉप मैनेजमेंट है उसको उसके बर्डन को रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटिव जो डिसीजन मेकिंग है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, वो शिफ्ट हो रही ऑन ऑपरेटिव लेवल, ऑपरेटिव लेवल पे ही वो शिफ्ट हो रही है। तो जो आपका बर्डन है यहाँ से जो आपके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर जो बर्डन था वो रिड्यूस यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस आपका ले सकते हैं जब आपके कोई व्यक्ति है, बहुत शानदार पेंटिंग मैंने बताई बनाई है, ये जो व्यक्ति है ऑपरेट भी यही कर रहा है, क्योंकि ऑपरेट इसे ही करना है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट इसे ही करना है, तो डिसीजन भी इसी को लेने का क्यों ना अधिकार दिया जाए। ये जो राइट इसके पास होगा उससे क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यही डिसीजंस को एग्जीक्यूट भी करेगा। तो क्विक डिसीजंस आप ले सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही जो है सर्वे सर्वा हो रहे हैं, काम भी आप ही कर रहे हैं और आपको जो है डिसीजन को एग्जीक्यूट भी आप कर रहे हैं, तो डिसीजन भी अगर आप लेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अगर मैं टॉप मैनेजमेंट पे बैठ के आपके लिए कोई डिसीजंस लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि शॉप फ्लोर लेवल पे या ऑपरेटिव लेवल पे वो इतने इफेक्टिव हो, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन जो होती हैं, एक्चुअल कंडीशन में जो आपके डिसीजंस लिए जाते हैं उसको वही व्यक्ति ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ सकता है जो उस कंडीशंस में रहकर फिर जो है समझ कर फिर आपके जो है डिसीजंस लेता है। तो बेटर डिसीजंस यहाँ पे लिए जा सकते हैं। इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरल। इससे होता है क्या है, यह व्यक्ति का जो है उसको जब ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल मिलता है, वो खुद डिसीजन लेता है, तो उससे क्या होता है उसका मोटिवेशन हाई हो जाता है, मोटिवेशन हाई होता है, मोरल बूस्ट हो जाता है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो उसके थॉट्स होते हैं यह ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसको जो उसकी जो एथिक्स होते हैं उसको और बूस्ट होते हैं, मोरल जो उसका उसका होता है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि एक पहले क्या हो रहा था, टॉप मैनेजमेंट पे डिसीजन लिए जा रहे थे और फिर जो है सुपरवाइजरी लेवल पे या आपको कहूँ ऑपरेटिव लेवल पे जो है उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। अब क्या हो रहा है, ऑपरेटिव लेवल पे एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और आपके जो है आपके ऑपरेटिव लेवल पे ही जो है आपके डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है,
जैसी सिचुएशंस आती हैं, कई आपके सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे क्विक डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, और आप अगर उस समय पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड कराता है, इट्स प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको क्या हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपके टॉप मैनेजमेंट की जो आपकी आपके जो पावर्स हैं या फिर जो आपकी स्किल्स हैं वो शिफ्ट होने लग जाती हैं आपके सुपरवाइजरी लेवल पे। अब ये भी जो है अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये ट्रेन भी हो रहे हैं और ट्रेन के साथ साथ डेवलप भी ये हो रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो हम चाहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट, हम जब मैनेजमेंट में कहा जाता है, लॉरेंस एपले कहते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ द पीपल, इट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पूरे पीपल को, लोगों को हमारे को डेवलप डेवलप करना। और डेवलप कैसे हो सकते हैं, जब हम उनको उनके लिए स्वयं डिसीजन लेने का हम उनको राइट देते हैं। बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर कम्युनिकेशन कैसे कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है और जहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, दोनों एक ही लेवल पे होते हैं, तो आपके जो है आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर यहाँ पे हो जाता है। डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर है, डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर हम जानते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस जो होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एक कॉरपोरेट किस तरीके से गवर्न होता है, वो गवर्न होता ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉरपोरेट को गवर्न किया जाता है। कोई एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं होता है, यहाँ पे आपके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूट डिस्पर्स कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और आप जो अलग अलग लेवल पे जो आप डिसीजंस लेते हो उनके उनका मिला जुला रूप होता है, जब आप अपने गुड डिजायर गोल को अचीव कर पाते हो। तो यहाँ पे आपका जो है ये डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर आपको कब मिलता है, ये डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर मिलता है जब आप डिसेंट्रलाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, आप यही मैंने कि बताया है सुपरविजन, आपका एक सुपरवाइजर अब क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन तो काम कर ही रहा था वो, साथ ही साथ अब क्या कर रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और आपकी कंट्रोल भी हो रहा है। सुपरविजन में आपके क्या है कि अब जो इमीडिएट पर्सन होगा या जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्लानिंग को, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसी के पास अथॉरिटी है उसको कंट्रोल करने की, तो आपका जो सुपरविजन होगा वो इफेक्टिव होगा और कंट्रोल आपके जो है आपके आपके जो एनवायरनमेंट के अंदर उसका जो आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो एरिया होगा वो काफ़ी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्या आपको जो है एक कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करती है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है, सर्वाइवल आपका जो है आपके सभी सब वो कहते हैं ना अपने प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये वाली चीज़ है यहाँ पे सर्वाइवल आपके लिए तभी हो पाएगा क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है जब आप डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं तो वह कंपनी को सर्वाइवल देता है, पहली चीज़ कंपटीशन में बनाए रखता है, और साथ ही साथ जो है एक एडवांटेज देता है ग्रोथ का, आप कंपिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है कि आप ग्रोथ भी कर पाते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको समझाया है, मेरिट्स आपके क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं आपके डिसेंट्रलाइजेशन के, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपन चलते हैं, नेक्स्ट है आपके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कुछ इसमें खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, और उनको अगर अपन दूर कर देते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियरी होता है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो ये फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके बहुत एक जिसे कह सकते हैं ना बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। लेकिन कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और डीमेरिट्स हैं, वो कौन कौन सी, सबसे पहला है लॉस ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल खो देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अब क्या हो रहा है बहुत से लोग हैं
जहाँ पे जो डिसीजंस ले रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, जहाँ आपके जो है, जहाँ पांच वो कहते हैं ना, पांच पांच सर भिड़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि आपके जो है, यहाँ पे इतने सारे लोग, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी जो ओपिनियन है वो आपसे मैच करे। तो ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल आपका जो होता है, वो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है। डिफ़िकल्ट इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता है, अलग अलग स्किल्स होता है। इन सबको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। सेंट्रलाइजेशन में तो एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा है और सभी को उसको मानना है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सबका एक वर्किंग स्टाइल होता है, सबकी एक स्किल्स हो सकती है, सबका एक ओपिनियन हो सकता है, जो एक दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ओपिनियन आपके साथ मैच करे। तो ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे होती है। और एक आपके आता है हाई कॉस्ट होती। क्यों हाई कॉस्ट होती है, कि आपके जो है डिसेंट्रलाइज अगर हम कर देते हैं तो कई तरीके के मीडियम्स है, टूल्स हैं जो हमको यूटिलाइज करने होते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग में आपको जो है, आजकल तो कंप्यूटर्स का भी बहुत आपका जो है इन्वॉल्वमेंट आ गया है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया, तब भी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब सभी, हर कोई जो है एक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसके लिए रिक्वायर्ड, जो ऑफिस के लिए जो रिक्वायर्ड, उसको जो भी एसेसरीज जो उसकी रिक्वायर्ड होती है, जो मैन पावर उसको रिक्वायर्ड होती है, वो सब कुछ चाहिए होती है। तो उससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और हाई कॉस्ट इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। एक्सटर्नल कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशंस में क्या हो सकता है, आपके एक्सटर्नल लिमिटेशंस के अंदर जो है, आपके ये एनवायरनमेंट, जो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट भी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, तो उसका भी एक डिसएडवांटेज क्रिएट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इतने स्किल्ड हों कि हम उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको समझ पाएँ। तो ये जो लिमिटेशन है, ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर क्रिएट करती है। और लास्ट आपके आता है इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस कैसा है, कि सभी लोग जो है अलग अलग मतों के लोग हैं, एक मत नहीं होते हैं। और ये जो एक मत नहीं, यूनिटी नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उससे क्या होता है, एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये पूरा जो है ओवरऑल, मैंने आपको डीमेरिट्स और ये जो डिसएडवांटेज है वो आपको क्लियर करे हैं। ये आपका सेकंड पार्ट था इस वीडियो का। थर्ड पार्ट के अंदर लास्ट अपने चलते हैं, और ये है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये पूरे फैक्टर्स आप देख लीजिए, अगर ये भी आपने पढ़ लिया, पूरी एक स्लाइड भी अगर आपको याद रह गई ना, तो इससे बाहर आपका ये पूरा क्वेश्चन नहीं जाना है। मैं इसी तरीके से आपके लिए लेके आया हूँ कि एक प्रिसाइज फॉर्मेट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आपको एक दो स्लाइड के अंदर पूरा टॉपिक, दो या तीन स्लाइड में पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा एफर्ट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यारों दोस्तों, मित्र भाई, बंधु बहन, सखा, सभी के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिए। फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम किस लिमिट तक, मतलब क्या डिग्री होगी, किस लिमिट तक जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस रिगार्डिंग बात करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है आपके साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज क्या है आपका, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे जो है आपके, जितना ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्सिटी और जितना आपके जो है, जितना कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन देना पड़ेगा। एक तो आपका आता है साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, लार्ज साइज है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एमएनसीज होती हैं, वहाँ पे भी आपके जो है लार्ज साइज के अंदर कंपनीज को, या फिर आपके जो है जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यूज मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम हो रहा है जैसे, तो आपको क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा यूज़ करना होगा, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज रखना होगा। ये डिपेंड करता है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत छोटा है, तो फिर आप जो है अपने सेंट्रलाइज फॉर्मेट को
अपना सकते हैं। हिस्ट्री एंड एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका खुद का हिस्ट्री क्या रहा हुआ, इससे पहले आप किस तरीके से जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है हैंडल करते थे, उसको क्या एक रूप देते थे, और साथ ही साथ आपका जैसे अगर न्यूली आपके जो इस्टेब्लिश किया गया है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सेंट्रलाइज फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे टाइम होता चला जाता है आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या कहता है। फिलोसफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आपके जो है आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि क्या वो जो है ये मानता है कि मेरे टॉप मैनेजमेंट ये मानता है कि मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मेरे क्या हैं, पार्टनर्स हैं, या हम जो हैं एक दूजे के लिए हैं, मतलब हमारे में जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप ना होके पार्टनर का है रिलेशनशिप है, तो ये आपके इस फिलॉसफी ये बताती है कि आप जो है डिसेंट्रलाइज फॉर्म रख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक सुपीरियर पर्सन हूँ और आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, तो इसमें क्या होगा, फिर ये जो है सुपीरियर की फिलॉसफी, ये अगर फिलॉसफी होगी तो ये जो फॉर्मेट होगा वो किस तरीके का होगा, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है, कंपिटेंस ऑफ मैनेजर्स किस तरीके का है। कंपिटेंस ऑफ मैनेजर्स आपके जो है अगर वो फुल्ली कंपिटेंट हैं, मैनेजर्स कैपेबल हैं, तब तो उनको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो है असाइन की जाती है ड्यूटी, उनको ऑथराइज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन अगर आप में ही क्षमताएं नहीं हैं तो फिर आपको कोई अधिकार क्यों देगा, राइट क्यों देगा, अधिकार क्यों देगा। तो ये जो है आपका ये आपके आता है कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर्स के में। विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट्स, विलिंगनेस भी होनी ज़रूरी, इच्छा शक्ति, वो कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो आप कितने ज़्यादा विलिंग हैं अपने कि आपको जो है कोई राइट्स दिया जाए, डिसीजंस लेने का अधिकार दिया जाए, आप चाहते हैं कि मैं भी जो है डिसीजंस में पार्टिसिपेट करूं। अगर आप ही विलिंग नहीं होंगे तो फिर आपके जो सुपीरियर होगा वो कभी भी अपनी पावर को फिर आपको जो है डेलीगेट नहीं करेगा या फिर डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा। तो विलिंगनेस होना भी ज़रूरी है सबॉर्डिनेट्स में। ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली कुछ मैंने कहा ना, जैसे कुछ कंपनीज होती है MNCs में होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं, तो आप यहाँ पे अगर ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तब तक फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेट को ही अपनाना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसीजंस कितने हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एक तो एक डिसीजन ऐसा हो है जिसका इम्पैक्ट, जो इफेक्ट है वो केवल पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट पे या फिर पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो तो कभी भी डेलीगेट भी नहीं किए जाते हैं और ना ही उनको जो है डिसेंट्रलाइज फॉर्म में रखा जाता है। तो सिग्निफिकेंस अगर लेस इम्पोर्टेंस है तब तो डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या फिर टॉप मैनेजमेंट के पास जो है रहती है, क्योंकि जिस जगह से वो ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं उस जगह से उनको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल पिक्चर जो है दिखाई दे। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, डिज़ायर इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति जो विलिंगनेस है यहाँ पे आपका डिज़ायर कह रहा है इंडिपेंडेंस, क्या आप चाहते हैं मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को करने का तरीका भी मैं ही डिसाइड करूँ, उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस हैं वो भी मैं खुद ही लूँ, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस है, आप स्वतंत्र रह के आप जो है इंडिपेंडेंटली आप वर्क करना चाहते हैं, तो ये जो इंडिपेंडेंसी आपका जो डिज़ायर है ये आपको डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के में हेल्प करता है। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका जितना इफेक्टिव होगा
उतना ज़्यादा आपके जो है डिसेंट्रलाइजेशन को आप जो है आपके डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज की जा सकती है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम इनफेक्टिव है तब तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा आप डिसेंट्रलाइजेशन को आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर आपके यहाँ लास्ट आता है कंट्रोल सिस्टम, ये वही कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा ही कंट्रोल सिस्टम है। अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कंट्रोल सिस्टम है और आप चाहते हैं कि इसे और इम्प्रूव किया जाए तब तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो सॉरी कंट्रोल अगर आपका बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है तो डिसेंट्रलाइजेशन को डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज की जा सकती है। और अगर आपके कंट्रोल सिस्टम पुअर है तब फिर आपको जो है डिसेंट्रलाइजेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैंने आपके फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वो पूरा आपको बताया है अच्छे से। यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके माध्यम से। और साथ ही साथ जो है हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब एंजॉय कीजिए लाइफ को। साथ ही साथ अपने गोल को ज़रूर एक तरीके से माइंड में रखिए ताकि देखिए लक्ष्य विहीन जीना भी को जीना हुआ क्या। तो आप जो है अपने गोल्स को ज़रूर माइंड में रखिए और फिर जो है मस्त होके जीवन को जीजिए, ठीक है ना। इसी दुआओं के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी में विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदाब, जय हिंद।